वेलकम पीपल ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के गेट एग्जाम में सेट टू में दो मार्क्स के लिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे कंसिडर थ्री गीगा हर्ड्स प्रोसेसर थ्री स्टेज पाइपलाइन एंड स्टेज लेटेंसीज एंड स्टेज लेटेंसी टावन टाओ टू एंड टाओ थ्री सच दैट टाओ वन इज इक्वल टू थ्री टाओ टू बाई फोर इज इक्वल टू टू टाओ थ्री लॉन्गेस्ट पाइपलाइन स्टेजेसिट इन टू टू पाइप लाइन स्टेजेस ऑफ इक्वल न्यू फ्रिक्वेंसी इज डैश गीगा हर्ट इग्नोरिंग द डिलेज इन पाइप लाइन रजिस्टर्स ओके तो यहां पर आपको एक प्रोसेसर दिया हुआ है जिसमें की तीन स्टेजेस हैं और वो थ्री गीगा हर्ट्स पे ही चल रहा है सबसे पहले हम थ्री गीगा हर्ट्स का मतलब ढूंढते हैं यानी कि एक क्लॉक कितने टाइम में जनरेट हो रही है थ्री गीगा हर्ड्स मीन्स थ्री गीगा क्लॉक्स आर जनरेटेड एवरी वन सेकेंड ओके क्योंकि हर्ड्स का मतलब होता है टाइम्स पर सेकेंड तो थ्री गीगा को आप इस तरफ ले आओ यानी कि वन क्लॉक इज जनरेटेड आफ्टर वन बाय थ्री इंटू टेन रेज टू दाइन सेकेंड्स गीगा इज टेन रेज टू दाइन उट टू बी वन क्लॉक रिक्वायर्स वन बाय थ्री नैनो सेकेंड ओके तो इस प्रोसेसर में हम हर वन बाय थ्री नैनो सेकेंड के बाद एक क्लॉक जनरेट करते हैं अब आपको यह भी पता है कि टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक डिपेंड्स अपॉन द स्टेज विदार्जेस्ट डिले तो डिलेज आपको गिवेन है टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री इनमें से जो भी लार्जेस्ट हुआ वो वन बाय थ्री नैनो सेकेंड्स होगा बिकॉज हम लार्जेस्ट स्टेज डिले को ही क्लॉक का टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं तो इन्हें एनालाइज़ करते हैं हैं और देखते हैं कि इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है अगर मैं टू को एक्स कर लूँ इसमें अगर मैं एक्स सब्सटीट्यूट कर दूँ तो टाव वन आ जाएगा थ्री बाय फोर एक्स टाओ वन कमजोर टू बी थ्री बायर एक्स टाव टू हमने एज्यूम किया था एक्स ओके okay? और टाओ थ्री आ जाएगा यहां पे अगर एक्स है तो इस टू को इस तरफ ले आओ लेट मीन थ्री बाय एट एक्स इज इक्वल टू टाउ थ्री कितना है था? By X. अब हमने तीनों स्टेज डिले ढूंढ लिए इन टर्म्स ऑफ एक्स जहां पे एक्स है द स्टेज डिले रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड स्टेज ओके अब मैंने आपको बता रखा था इनमें से जो भी लार्जेस्ट होगा वो वन बाय थ्री नैनो सेकेंड होगा तो आपको दिख रहा है कि लार्जेस्ट है ये वाला विच ऑब्वियसली मीन्स कि x की वैल्यू है वन बाय थ्री नैनो सेकेंड्स ओके अब आप बाकी के स्टेज डिलेज भी ढूंढ सकते हो बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अब उन्होंने कहा है जिस स्टे का जिस स्टेज का लार्जेस्ट डिले था उसे हमने दो स्टेजेस में डिवाइड कर दिया लार्जेस्ट डिले देखो किसका है इसका हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये लार्जेस्ट है बिकॉज दिस इज थ्री बाय फोर एक्स एंड दिस इज थ्री बाय एट एक्स एंड दिस इज वन एक्स तो ये लार्जेस्ट डिले हुआ इसे हमने दो स्टेजेस में स्प्लिट कर दिया देखो पहला था थ्री बाय फोर एक्स दूसरा था एक्स और तीसरा था थ्री बाय एट एक्स इस स्टेज को हमने स्प्लिट किया वन बाय टू एक्स एंड वन बाय टू एक्स में एक्चुअली दो स्टेजेस में स्प्लिट किया और ये उन स्टेजेस के टाइम्स हैं ओके okay. अब टोटल स्टेजेस हो गई फोर यानी कि जो नया प्रोसेसर है उसमें पहली स्टेज ये रही दूसरी तीसरी फिर चौथी ये रही यानी कि ये स्टेज डिले हैं अब आप देखो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है जैसे मैंने कहा था ना कि फ्रीक्वेंसी से हमने टाइम पीरियड ढूंढा और वो टाइम पीरियड हमें बताएगा कि लार्जेस्ट स्टेज में डिले कितना है यहां पे हम बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे लार्जेस्ट स्टेज के डिले से हम टाइम पीरियड ढूंढेंगे टाइम पीरियड से फिर हम फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे तो लार्जेस्ट देखो इनमें से कौन सा है थ्री बाय फोर एक्स वन बाय टू और वन बाय टू एक्स और थ्री बाई एट एक्स इनमें से लार्जेस्ट आपको दिख रहा है यही है थ्री बाय फोर एक्स इज लार्जेस्ट दैट मीन्स वन क्लॉक रिक्वायर्स दिस मच टाइम जैसे हमने यहां पे कहा था ना कि जो वन क्लॉक को जितना टाइम चाहिए वो लार्जेस्ट स्टेज स्टेज का डिले होगा यहां पे भी वैसा ही होगा लार्जेस्ट स्टेज का डिले है थ्री बाय फोर इंटू वन बाय टू क्योंकि एक्स सॉरी इंटू वन बाय थ्री क्योंकि एक्स की वैल्यू है वन बाय थ्री नैनो तो यहां पे भी हम कहेंगे वन क्लॉक रिक्वायर्स थ्री बाय फोर इन वन बाय थ्री नैनो सेकेंड्स विच कम्स टू बी वन क्लॉक रिक्वायर्स वन बाय फोर नैनो सेकेंड्स ओके इस फोर को आप इस तरफ ले आओ यहां पे आ जाएगा फोर क्लॉक्स रिक्वायर वन नैनो सेकेंड नैनो को आप रिप्लेस कर दो टेन रेस टू दावर माइनस नाइन से सो फोर क्लॉक्स रिक्वायर टेन रेस टू दावर माइनस नाइन पे लिख रहा हूं मैं फोर क्लॉक्स रिक्वायर टेन रेस टू दावर माइनस नाइन सेकेंड्स इस टेन रेस टू दावर माइनस नाइन को आप इस तरफ ले आओ ये होगा फोर इन टेन रेस टू दावर प्लस नाइन क्लॉक्स रिक्वायर वन सेकेंड दैट मींस फोर जी क्लॉक्स रिक्वायर वन सेकेंड अब यहां से आपको पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रीक्वेंसी आएगी फोर गीगा हर्ट्स बिकॉज हर्ट्स का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड एक सेकेंड में कितनी बार एक सेकेंड में हमने ढूंढा फोर जी क्लॉक्स टेक हो रही हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी हुई फोर जी हर्ट्स फोर गीगा हर्ट्स तो इस क्वेश्चन का आंसर आया फोर गीगा ओके मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ एक बार हमने क्या किया सबसे पहले हमने ढूंढा इस क्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा तो टाइम पीरियड आया वन बाय थ्री नैनो और टाइम पीरियड लार्जेस्ट स्टेज डिले पे डिपेंड करता है तो लार्जेस्ट स्टेज डिले यहाँ पे था स्टेज टू का यानी कि टाओ टू टाओ टू हमने मान रखा था एक्स है तो एक्स की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता रखा है कि नए डिजाइन में हमने लार्जेस्ट स्टेज डिले को सॉरी स्टेज विद लार्जेस्ट डिले को दो स्टेजेस में डिवाइड कर दिया यानी कि एक्स को वन बाई टू एक्स और वन बाय टू एक्स में डिवाइड कर दिया ये एक्चुअली स्टेजेस नहीं है स्टेजेस का डिले है तो नए प्रोसेसर में आई ये चार स्टेजेस अब वहां पे फिर से वही काम करो इनमें से देखो लार्जेस्ट डिले किसका है यहां पे लार्जेस्ट डिले है पहली स्टेज का यानी कि यही होगा टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक मतलब कि एक क्लॉक इतना टाइम लेगी थ्री बाय फोर एक्स एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी तो वो आ गया वन क्लॉक रिक्वायर्स वन बाय फोर नैनो सेकेंड्स वहां से हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी ओके